तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो आप जान लीजिए कि मेरी जी केमिस्ट्री चैनल आपको कैसे मदद कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे। 100+ वीडियोस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड कर चुके हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एसर्शन रीजन के बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के वीडियो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोज और सम यूजफुल एग्जाम टिप्स वीडियोज भी मिल जाएंगे। अभी तक 350+ वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, 3.8 मिलियन+ व्यूज आ चुके हैं और 64,000 सब्सक्राइबर्स भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इन वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करना है या फिर चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि असर्शन रीजन में आपको करना क्या होता है। इन क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, फर्स्ट को हम लोग असर्शन कहते हैं, सेकंड को हम लोग रीजन कहते हैं। और यहाँ पर चार ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ही आपको चूज करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू होता है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा होता है। सेकेंड ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू होता है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। थर्ड ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब आपका असर्शन तो ट्रू होता है लेकिन रीजन ही आपका फॉल्स होता है। और फोर्थ ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब आपका असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होते हैं। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, असर्शन को पढ़िए सबसे पहले। अगर असर्शन ही आपका फॉल्स है तो आपको चुपचाप फोर्थ ऑप्शन लगा देना है। अदरवाइज आपका अगर असर्शन ट्रू है और रीजन अगर आपका फॉल्स है तो थर्ड आंसर होगा इसका। लेकिन अगर दोनों ट्रू है तब आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको रिलेट करना पड़ता है। तो फटाफट से हम लोग ये देखते हैं कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के इस टॉपिक का। तो देखिए, डीडीटी एंड बीएचसी आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सोइल पॉल्यूटेंट, क्या ये सच है? जरा सोचिए, क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए डीडीटी एंड बीएचसी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता देता हूं, दैट इज डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और बीएचसी का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये दोनों के दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल सोइल पॉल्यूटेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीडीटी को तो बैन ही इसलिए किया गया। सो फाइनली असर्शन तो आपका निकला ट्रू। अब रीजन देखिए जरा ध्यान से, रीजन में क्या लिखा है, डीडीटी एंड बीएचसी आर फर्टिलाइजर्स, ये गलत है, इट इज फॉल्स, ये फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो फाइनली ये हो गया आपका रॉन्ग। तो एक्चुअल में फर्टिलाइजर्स नहीं होने की वजह से आपका रीजन रॉन्ग है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आप क्या लगाओगे, थर्ड आंसर होगा, यानी कि सी आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन ही आपका गलत दिया हुआ, ये फर्टिलाइजर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, उसका असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए असर्शन क्या कहता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। पेन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग, क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। अब सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पेन का फुल फॉर्म क्या है, ये कोई पॉलीमर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। पेन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी, पी मतलब पेरोक्सी, ए का मतलब एसिटाइल, सुन लीजिए पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दोबारा बोल देता हूं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिए और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको देख लो, आपको वैसे ही ध्यान में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके रीजन को पढ़ते हैं, रीजन क्या कहता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस इट इज आल्सो ट्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए आप जरा ध्यान से, बड़े ध्यान से इसको देखिए। यहां पर आंसर फर्स्ट क्यों बना, क्योंकि यहां पर लिखा है कि पेन मेन है और पेन बनता किससे है, ये वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जो कि आपके फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है फोटोकेमिकल स्मोक के। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको देख लीजिए और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर इसका फर्स्ट बनेगा। सो चलिए गाइस फटाफट से थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, असर्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले। अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आईआर रेडिएशंस बाय ओजोन लेयर, क्या ये ट्रू है? नहीं, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। अब अगर यही फॉल्स हो गया आपका तो एक्चुअल में यहाँ पर आंसर सीधे सीधे क्या बनेगा, फोर्थ आंसर होगा। अब ऐसा क्यों, आपको पता होना चाहिए इंफ्रारेड जो रेज होती हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करती हैं ओजोन लेयर, आप लोगों को ध्यान रखना है, वो अर्थ पर आ जाती हैं एनी हाउ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो फाइनली ये फॉल्स है। लेकिन रीजन को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या रीजन में क्या लिखा है। आप एक और बात बता देता हूं, अगर असर्शन फॉल्स है तो पक्का रीजन भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ चार ही ऑप्शन है। लेकिन फिर भी रीजन को पढ़ लीजिए, आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए कैसे, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन
ट्रोपोस्फेयर ऑफ एटमोस्फेयर, क्या ये सच है? नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये फॉल्स है, और आपके मैं यहाँ पर नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती है, वो किस में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर तो सबसे नीचे वाला लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रीजन भी फॉल्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर क्या बनेगा? फोर्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का एसर्शन पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट, क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू, ये सच है, इट इज ट्रू। सो फाइनली रीजन पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी ऑफ ब्लड, क्या ये सच है? यही तो रीजन है जिसकी वजह से इसको पॉल्यूटेंट कहते हैं, और एक्चुअली रीजन है सर, इनको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर फर्स्ट बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर यहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बंद कर देता है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सो चलिए फिफ्थ का एसर्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एसर्शन क्या कहता है, फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यस इट इज ट्रू, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ा। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको चाहिए, प्लस सनलाइट चाहिए, प्लस हाइड्रोकार्बन चाहिए होते हैं, वी ऑल नो, तो ये तो ट्रू है। रीजन पढ़िए, रीजन में क्या लिखता है, रीजन देखिए, ऑटोमोबाइल आर मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। पर सवाल ये है कि क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? ये बिल्कुल नहीं कर पा रहा, ये अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, वो अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। तो एक्चुअल में यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे, यहाँ पर आप आंसर लगाओगे सेकेंड या फिर बी, फर्स्ट सेकंड या फिर ए बी, मतलब उसका मतलब ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर सेकंड या फिर बी आंसर होगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एसर्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले एसर्शन क्या कहता है, जरा ध्यान से उसको देखिए। फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर एसेंशियल, यस इट इज ट्रू। यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लांट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये तो ट्रू है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रीजन को देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये सच है? यस इट इज ऑल्सो ट्रू, वी ऑल नो, ये भी ट्रू है। सवाल ये है कि क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, जरा उसको समझिए। ये अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ऊपर देखिए, नीचे ऊपर लिखा है एसर्शन में, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर एसेंशियल, क्या ये भी अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, तो क्या एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे हैं क्या? तो यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पर आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर आपका होगा बी। सो चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, आपको बताना है कि फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली किसको अफेक्ट करता है। सो फाइनली ये सबको पता होना चाहिए, बचपन से हमें पढ़ा दिया जाता है, यहाँ पर टीथ है जिसको ये अफेक्ट करता है, तो ए आंसर होगा। अगर आप ए सोच पा रहे हैं तो आपके प्लस वन मार्क हो गए गाइज। एट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और यहाँ पर जरा क्वेश्चन और आंसर दोनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट, आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनेट किससे रिएक्ट कर गया था कि जिससे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस ट्रेजेडी के अंदर। सो फाइनली यहां पर आंसर क्या होगा, रिएक्टेड विद वॉटर, रिएक्टेड विद डीडीटी, रिएक्टेड विद अमोनिया, रिएक्टेड विद CO2। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा रिएक्टेड विद वॉटर। आपको ध्यान रखना है, वाटर के रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ था वो ट्रेजेडी। अगर आप वाटर सोच रहे थे तो आप बिल्कुल सही, आपके प्लस वन मार्क हो गए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, डीडीटी इज, देखिए डीडीटी क्या है आपसे सवाल पूछा, तो यहाँ पर डीडीटी क्या है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है? नहीं, डिग्रेडेबल तो नहीं है, ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा, सी, ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, बहुत ही खतरनाक है नेचर के लिए, इसको इसीलिए बैन कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन क्या है, टेंथ देखिए, जेट एरोप्लेन्स रिलीजेस द पॉल्यूटेंट्स इन एयर कोल्ड, आपको बताना है कि जेट एरोप्लेन्स जो होते हैं वो जो पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं एयर में उनको क्या कहते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो फाइनली टेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, टेंथ क्वेश्चन का आंसर बनेगा एरोसोल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको एरोसोल्स कहा जाता है। सो गाइज ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस हो गए, अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो आपको क्या करना है, चार छोटे छोटे से काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा। साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा एंथुजियास्टिकली हमारी टीम आपके लिए काम करती रहेगी। इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन दे सकें। और स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत काम देगी कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इन 6 दिनों की। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।